हम लोग झारखंडी है, हम लोग का पैर हाथ दर्द नहीं करता है। इससे पहले टूटू मनाया गया, आप चाहते हैं झारखंड में हर हर साल त्योहार बनता रहे। यार देख सकते हैं हम लोग आए करम त्योहार में, हर बहुत मस्ती कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते। हम लोग का 2024 का मिशन का ये आगाज यहीं से शुरुआत हो रही है कि हमारा 2024 मिशन हमारा राज्य में एक बदलाव की सरकार बनेगी। ये झारखंड के मतलब हजारीबाग है, धनबाद है, बोकारो, उड़ीसा, बंगाल है, हजारीबाग से कलाकार लोग आए जो देखे होंगे, लगभग 250 ढोल ढाक नगाड़ा मांदर के साथ। नमस्कार जोहार, ये आप देख रहे हैं ये बेरमो में किस तरह से करम महोत्सव आशी पाटू के द्वारा हो रहा है। ये देख सकते हैं कि फाइटर संतोष जो कि प्रतिवर्ष करम महोत्सव करते हैं और खेल महाकुंभ जिसमें आप देख सकते हैं कि डुमरी उपचुनाव जो हुआ था उसकी उम्मीदवार यशोदा देवी और फाइटर संतोष की जुलूस निकाल कर किस तरह से हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं, डुमरी विधानसभा के लोग, उसके साथ साथ बोकारो जिला के तमाम जगह से लोग आए हैं इस करम महोत्सव में। देख सकते हैं इनसे भी बातचीत करेंगे और रूबरू होंगे कि किस तरह का जनसलाब है, बातचीत करना चाहेंगे इनके साथ। हमारे साथ है जोहार झारखंड, ये आपका और यहाँ के जनता का प्यार है, माँ बहनों का प्यार आशीर्वाद है जो एक साथ हम लोग एक मंच में खड़ा हो जाते हैं। अभी जाएंगे फुटबॉल खेल का फाइनल खेल है, उसके बाद हम लोग फाइनल खेल में हमारे पार्टी के सुप्रीम परमादरणीय सुदेश महतो जी आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, समापन करेंगे, फिर करमा महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। ये झारखंड के मतलब हजारीबाग है, धनबाद है, बोकारो, उड़ीसा, बंगाल है, हजारीबाग से कलाकार लोग आए जो देखे होंगे, लगभग 250 ढोल ढाक नगाड़ा मांदर के साथ। ये अभी करमा में झारखंडी लोग अपना मान लिया है कि हम जब तक झारखंड में अपना संस्कृति नहीं बचाएंगे तब तक मेरा झारखंड नहीं कहलाएगा। ये भी पहुंचे हैं, अभी देखेंगे रामगढ़ के विधायक सुनीता चौधरी जी भी आई हुई है, अभी पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी भी आ रहे हैं और ऐसे कई लीडर आ रहे हैं जो कार्यक्रम समापन समारोह में अपना भागीदारी निभाएंगे। ये बस इसी तरह प्यार स्नेह मिला रहे और झारखंडी संस्कृति को बचाने में एक मंच में बराबर हम लोग एक साथ रहे ताकि झारखंड को बचा सके, झारखंड की संस्कृति को बचा सके और अपना स्वाभिमान को अपना बचा सके। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा की यशोदा देवी है, अच्छा लगा था सीजन समर्थन का 13,000 वोट नहीं आ रही और आज देख रहे हैं कि करम महोत्सव मनाने बगल के विधानसभा यानी कि आप देख सकते हैं कि विधानसभा की जगह पर आई है। क्या कहना चाहेंगे दीदी, जब यहाँ पर लोगों का हुजूम जो देख रहे हैं, ये हमारा झारखंड की संस्कृति और पहचान है। करम महोत्सव हम लोग पूर्वजों से मनाते आ रहे हैं और आज ये हमारे संतोष जी ने बताया है कि हम लोगों का ये प्यार और मोहब्बत है, हम एक मंच पर आकर करम महोत्सव मनाते हैं। हमारा भारत झारखंड की पहचान है, संस्कृति है और अपने संस्कृति और पहचान को बनाए रखे इसी तरह, इसीलिए आज हम लोग करम महोत्सव विधानसभा के लोगों का जब समर्थन मिला। आप देख रहे हैं कि आप आए तो वहाँ भी आप लोगों को चाहने वाले लोग, देखिए हम लोग जब इसी तरह जन समर्थन हम लोग को हमेशा मिलते रहे, यही हम लोग सभी लोगों से अपील भी करते हैं और विनती भी करते हैं कि जिस तरह हमारा डुमरी में जनता ने अपार समर्थन दिया उसी तरह हमारा यहाँ बेरमो विधानसभा में भी संतोष को भी अपार समर्थन मिले, यही हम लोग विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे। 24 की तैयारी किस तरह से आप कर रहे हैं? 24 की तैयारी तो हमारा लगा हुआ है, हम लोग जैसे हम लोग कर रहे हैं बस बस ये हम लोग का 2024 का मिशन का ये आगाज यहीं से शुरुआत हो रही है कि हमारा 2024 मिशन हमारा राज्य में एक बदलाव की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं, मेरे बच्चे हर 3 महीना पे जांच में जाते हैं और इसी के दरमियान उनको 3 महीना जानना चाहती है कि उनका हालात अभी कैसा है। अभी ठीक है, वो आ रहे हैं,
वो कल अभी उतरेंगे, फिर आप जनता के बीच में हमेशा वो हाजिर रहेंगे। जनता का प्यार हमेशा है, जनता का आशीर्वाद से वो ठीक भी हो जाएंगे। जाते जाते जनताओं को क्या कहना चाहेंगे, तमाम झारखंड वासियों को इस कर्म पर्व वहाँ पर? झारखंड वासियों को मैं कर्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। ये तो उमंग है, ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति का ये उमंग है। अपना उमंग में कहीं भी थकता नहीं है, ये लोगों की हुजूम है, लोगों के प्यार, इसमें कहीं किसी का थकावट नहीं महसूस होती है। यह उमंग है, उमंग इसी तरह बरकरार रहे, यही आशा विश्वास के साथ मैं सभी यहाँ पर जुड़े हुए सभी हमारे माताएं बहनों नौजवान साथियों को आने वाला कर्म पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इतने लोगों का हुजूम है और इसमें आप देख सकते हैं कि डुमरी विधानसभा की उम्मीदवार यशोदा देवी और जो मेहनत इन लोगों ने किए, बेरमो विधानसभा के फाइटर्स संतोष जी ने, जो कि इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति इस हुजूम में तमाम आसू पार्टी के समेत झारखंड के सभी कलाकार लोग आए हैं और उनके कार्यकर्ता लोग सब लोग बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं और सभी झारखंड के वासियों को कामना करने के लिए। और ये देखिए भव्य तरीका से अभी करगली मैदान जाने को है और उनके फाइटर संतोष के टीम का टी शर्ट देख लीजिए, इनकी सेना भी वॉलंटियर के रूप में काम कर रही है, उनके सारे साथी लोग जो हैं। साथ ही साथ आपको दिखाते चले जो पीछे जो महिलाओं का हुजूम है और बच्चों का हुजूम है, देखिए कर्मेती लोग का पारंपरिक ड्रेस में सबको सजाया गया और देखिए किस तरह से भीड़ है और नाश्ते कास्ते आ रहे हैं करीबन 5 किलोमीटर से, हथिया पत्थर से सब लोग जुलूस निकाला गया था, सब लोग बाजे गाजे के साथ नाश्ते कास्ते आए, लेकिन अभी जब भील में पहुंचे तो बाजा पीछे कर दिया गया क्योंकि लोगों का जो हुजूम था काफी ज्यादा था। तमाम लोग, तमाम महिलाएं और सब लोग पहुंचे हैं और ये देखिए किस तरह से घोड़ा नाच भी पहुंची हुई है और सब लोग बाजे गाजे के साथ नाश्ते घूमते जा रही है और कुछ ही क्षण में पहुंचे कि ये हुजूम आप देख रहे हैं काफी दूर तक है, लोगों का हुजूम जो है वो काफी दूर तक है और कहाँ कहाँ से आए हैं पूछना भी चाहेंगे। और कहाँ से आई हो? गुड़बनिया बस्ती से। ये देखिए कहाँ से आई हो? हम लोग बेरमुक्का बस्ती से आ रहे हैं। कितना दूर चली? कम से कम 5-1 मिनट हो गया है। गर्मा पूजा? हाँ हाँ हाँ। और ये बहुत ही उत्साह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। देख रहे हो तमाम लोग हजार देख सकते हैं हम लोग आए करम त्योहार में और बहुत मस्ती कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते, बहुत 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 ज्यादा। तो चलिए आप लोग फील्ड में मिलाते हैं आप लोग, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिलहाल अपना जो होता है हम लोग का हिंदुस्तान पहुंचे और अपना क्या बोलते हैं सत्तर गली गेट तक आ चुके हैं जो हम लोग का ग्राउंड है और ये बहुत फेमस ग्राउंड है, आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ जाइए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है देवकी महतो। मैं बेतकारो बस्ती से। जा रही है और ये अभी मैदान पहुंच गए हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे और भीड़ एक बार देख लीजिए। और भी कुछ बता दे यहाँ पे बताइए, करम परब में आप लोग जो करम परब करती आज संतों में उतरी हो, क्या कहना चाहते? पहले अखरा में नाचती थी जी, पहले हम लोग पूरे आगरा में नाचते थे लेकिन धीरे धीरे प्रगति के अनुसार अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है कि हर जगह डेवलप हो रहा है कि हमें करना चाहिए। संतोष कुमार जो महतो जो हमारे भैया है उनके थ्रू ये मतलब उत्सव मनाया जाता है, या फुटबॉल ग्राउंड में खेल कूद कर गली गेट है जहाँ पर कई सालों से मनाया जा रहा है लेकिन अब धीरे धीरे लोग नहीं जानते थे लेकिन अब जानने लगे इसको तो धीरे धीरे अब ये होने लगा है। और पहुंची हुई है सब लोग करम परम मनाने के लिए और ये महोत्सव जो मनाया जा रहा है ये संतोष महतो फाइटर संतोष के संरक्षण में ये मनाया जा रहा है। तमाम लोगों का भीड़ अभी देख रहे हैं और इधर से भी आ रही है जोहार सभी को। और ये देखिए किस तरह से इन लोग का जो डांसिंग ग्रुप है सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा में आई है, घोड़ा नाच भी आया हुआ है और तमाम लड़कियां भी आई है इस मेला में भागीदारी ले रही है। और जोहार कहाँ से आई हो? पहले सड़कों में हम लोग नहीं मनाते थे, अखड़ा में नाचते थे। गुरियों से
झारखंडी है, हम लोग का पैर हाथ दर्द नहीं करता है। इससे पहले टूसू मनाया गया था। आप चाहते हैं झारखंड में हर हर साल त्योहार बनता रहे। तो देख रहे हैं तमाम लड़की लोग, ये लोग अलग ही वेशभूषा में हैं, देख सकते हैं जोहार सभी को। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। कहाँ से आई हो? हम तारीफानी से आए हैं। कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। सड़कों में जुलूस, तमाम गांव पूरे जिला के लोग आए हैं। हाँ। मिल रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार आया, पूरा मजा। सभी लड़कियां और इस करम परब महोत्सव में